प्रदेश में हर दिन कोरोना के 15,000 सैंपल जांचने की तैयारी हो रही है। प्रदेश सरकार अब कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए गांव में डॉक्टरों को भेजकर स्वास्थ्य लोगों के रैंडमली सैंपल और टेस्टिंग पर भी काम कर रही है। सैंपल एकत्रित करने के लिए इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर से स्वास्थ्य विभाग की टीम में आई डॉक्टर तंजीम खान ने बताया कि इस प्रकार एकत्रित अब तक के पुराने नमूनों में अभी तक तो कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिले। यहाँ एकत्रित नमूनों के बारे में जांच के बाद भी पता चलेगा, किंतु पॉजिटिव आने की संभावना न के बराबर है। डॉक्टर तंजीम हातिम खान ने अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से करते हुए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की समझाइश भी दी। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। बताइए, बेटमा और ग्रामीण क्षेत्रों में आपने आज कितने सैंपल लिए और अब तक के क्या परिणाम रहे? बेटमा और हमने ग्रामीण क्षेत्रों में परसों के दिन एक सैंपल लिए थे, 7 पुलिस वालों के लिए थे हमने, उसमें से उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। कल आज सुबह से हमने बेटमा और उसके ग्रामीण क्षेत्रों के सैंपल लिए, करीब 4 से 5 जगहों के सैंपल लिए, जिसमें हमने टोटल 50 सैंपल लिए हैं। अभी इनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है और पुराने सैंपल्स में अभी कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं आई है किसी भी पेशेंट्स की। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर तंजीम खान है जी, और मैं इंडेक्स कॉलेज से हूँ। जी जी जी, तो अभी जो आपका अनुसंधान चल रहा है बेटमा के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है? जी, अभी मेरा अनुसंधान बेटमा ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। कल का मेरा इंदौर के क्षेत्र में था, इंदौर में सिटी में हुआ था मेरा जी, जी। और परसों के रोज भी मेरा बेटमा में ही था जी। अभी कितने दिनों तक बेटमा क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे? अभी ये कोई फिक्स नहीं रहता है हमारा, अभी तो पूरे आसपास के सारे ग्रामीण क्षेत्र बचे हुए, तो थोड़े थोड़े करके हम कवर करते हुए जा रहे हैं। जितना हमसे पॉसिबल हो रहा है हम उतना करते जा रहे हैं काम जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।